सचिन क्या लगता है आपको क्या कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक एक विशेष खिलाड़ी पर है जो भारत में नहीं, जैसा कि आप थंबनेल आप फर्स्ट क्लिप देख कर ही समझ गए हैं, अभी तो भारत में ही नहीं बल्कि कईयों देशों में ये बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जी का। देखिए, विराट कोहली जी आज ODI में यानी वन डे क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी हम साफ शब्दों में कहें कि वन डे क्रिकेट में आज लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर जी के बराबर शतक लगा दिए हैं। यानी सबसे ज़्यादा शतक लगाने की बात करें तो सचिन तेंदुलकर 49 शतक लगाए थे। और आज जन्मदिन के मौके पर, दो दिन पहले जब जन्मदिन था तो विराट 100 में सलमान खान सचिन तेंदुलकर से पूछते हैं कि क्या लगता है सचिन आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? वो बोलते हैं सीधा सीधा बोल दो, नहीं तोड़ पाएगा। फिर वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे जो यंगस्टर हैं यानी मेरे जो छोटे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं वो कर सकते हैं। वो बोले कौन? तो ये बोले कि विराट एंड रोहित अदरवंश, मैंने विराट एंड रोहित में से कोई एक कर सकता है। सच में विराट अपने जन्मदिन के मौके पर 49 शतक लगा के सचिन तेंदुलकर जी के बराबर वनडे में शतक लगा लिया। ये है विराट कोहली की पावर और स्ट्रेंथ। विराट कोहली जी अपने जन्मदिन के मौके पर ही 49वां शतक लगा दिए हैं वनडे का। यानी अब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर जी के, जो कि क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनके बराबर शतक लगा लिए हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक बार विराट कोहली के क्रिकेट के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार आया था, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए थे, डिप्रेशन में चले गए थे जब वो कोई भी रन नहीं बना पा रहे थे और हमेशा आउट हो जा रहे थे, वह भी दौर उनके जीवन में आया है। वो वही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब वो सारी चीज़ें इनके खिलाफ जा रहे थे, सारे लोग भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो भी इनके फैन फॉलोइंग है वो भी इनको अब सोच रहे थे कि पहले विराट कोहली चलते थे, अब विराट कोहली नहीं चल पाएंगे, उनका दौर ख़त्म हो गया। तब उन्होंने पता है किसके शरण में गए? तो आपको पता है कि उनकी शादी अनुष्का शर्मा से हुई है। अनुष्का शर्मा एक फिल्म अभिनेत्री हैं, तो उनके साथ ये महाकालेश्वर मंदिर गए। महाकालेश्वर में भगवान महाकाल यानी भगवान भोलेनाथ की शरण लिए लोग। ठीक है, सारे क्लिप को दिखाऊंगा, सारे क्लिप को। पहले आप बगल में जो तस्वीर लगा है उन तस्वीर को भी देखते रहिए। हर चीज़ें मैं बताऊंगा, सारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। महाकालेश्वर मंदिर का लोग दर्शन किए, लोग विनती किए और साथ में एक वीडियो अभी जस्ट आप इसके इस क्लिप के बाद देखेंगे जब वे कहते हैं कि देने वाला तो भगवान ही है, मैं भगवान पे ही विश्वास रखता हूँ, जब उसे देना चाहेगा तभी वो देगा, बाकी आप कितना भी हाथ पैर मार लो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए पहले ये वीडियो ही देख लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी मैं बताता हूँ। देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। तो खुद विराट कोहली जी कहते हैं कि देने वाला वही है, बाकी कितना भी हाथ पैर मार लीजिए तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों ने यह वीडियो भी देखा जिसमें विराट कोहली जी जो वाक्य मैं बताया था वही कह रहे हैं। इन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल जी के दर्शन किए, विनती किए, पूजा किए, तब जाके इनके जीवन में थोड़ा सा जो उतार था वो चढ़ाव में परिवर्तित होने लगा, इनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे खेल जगत में ये अच्छा करने लगे, फिर पुनः ठीक है उत्थान होने लगा, तभी जब महाकालेश्वर भगवान महाकाल के इनके ऊपर कृपा हुई। फिर महाकालेश्वर मंदिर के बाद ये प्रसिद्ध संत
प्रेमानंद जी महाराज जी के ये दर्शन किए, प्रेमानंद जी के महाराज जी के आशीर्वाद भी लिए। आप तस्वीर देख रहे हैं साथ में, प्रेमानंद जी के महाराज के सामने ये लोग गए। हम मैं बता दूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी एक संत है जो वृंदावन धाम में रहते हैं। वो उनके सामने आप राजा, कोई बड़े प्लेयर या कुछ ऐसा, उनके सामने सब बराबर हैं। एक दुखियारी भी बराबर है। आप भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं या कुछ और भी बड़े अहदे पे, जिनका भी पोस्ट उनके सामने जाएंगे तो सब बराबर ही हैं। ऐसे संत हैं, पूज्य संत हैं, जिनकी दोनों किडनी फेल है, फिर भी वो राधे नाम का जप करते हैं। माता रानी राधे की कृपा है, भगवान कृष्ण की उन पे कृपा है। कहते हैं ना कि हमें चिंता उनकी नहीं है, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे नाव के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो जिन पर भगवान कृपा करते हैं फिर वो बहुत कुछ करता है। तो ठीक विराट कोहली जी पे भी भगवान कृपा किए, प्रेमानंद जी का आशीर्वाद हुआ, भगवान कृष्ण का भी नया आशीर्वाद प्राप्त हुआ, फिर महाकालेश्वर मंदिर जो दर्शन किए थे उनका भी कृपा इन पे बरसी, और तब जाके ये क्रिकेट में अलग अलग चीज़ें इनके सामने आने लगी, फिर इनका शोर शराबा उतना ही बढ़ने लगा। और मैं बता दूँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट कोहली का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंस्टाग्राम पे भारत में इतने यूजर नहीं है जितने इनके फॉलोअर हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पे आप फॉलोअर देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगा दे रहा हूँ कि कितने इनके फॉलोअर, तो इनके फॉलोअर तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चर्चित खिलाड़ियों में हैं, पूर्व भारतीय कप्तान भी रहे हैं क्रिकेट टीम के। और एक वीडियो क्लिप जो शुरू में देख रहे थे, उन क्लिपों के बारे में मैं बताऊंगा, फिर साथ में ऐड भी करूंगा कि एक बार सलमान खान, एक कोई शो था जब सलमान खान लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर जी से पूछ रहे हैं ये क्या सचिन आपका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, तब वो कहते हैं कि मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे बैठे कुछ हमारे जवान जो अभी यंगस्टर हैं, तो ये कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ सकते। तो वो नाम किसका किसका लेते हैं पता है, सचिन तेंदुलकर। वो कहते हैं हमारे कुछ यंगस्टर ही जो इसी इसी महफिल में बैठे हैं, इसी शो में हैं, जैसे विराट, रोहित शर्मा और ऐसे कई नाम वो लिए थे। और सच में आज विराट कोहली इनके सचिन तेंदुलकर जी के बराबर शतक लगा दिए हैं वनडे क्रिकेट में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विराट कोहली जी के पिताजी का जब निधन हुआ उसी दिन ये क्रिकेट खेल रहे थे और थके थे, जब इन्हें पता चला कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया और इन्हें अगले दिन भी खेलना था क्रिकेट टीम में, उन्होंने घर नहीं गया। उन्होंने ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं तब जाकर आज मुकाम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन क्रिकेट खेला, भारतीय टीम को जिताया, फिर जाके घर गए और पिताजी का अंतिम संस्कार किए। तो ऐसे योगदान अपने देश के लिए देना ही भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लक्ष्य और ऐसे योगदान, ऐसे बलिदान देना, एक अपने भावनाओं का बलिदान, अपने एक इमोशन का बलिदान यह है। और उसके बाद फिर वो गए, पिताजी का अपने संस्कार किया और भारतीय क्रिकेट को इधर जिता के गए। तो ये होती है विराट कोहली जी की पहचान। दर्शकों, मैं आपको सीधी सीधी बातें ये बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आपने वीडियो भी है देख लिया, इस वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे ना तो बहुतों के रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। आपकी सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, कड़ी परिश्रम और एक जुनून होना चाहिए दिल में, बाकी आप कईयों के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। वो खेल जगत की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस भी क्षेत्र में आप ठान लगे 100% आप सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। जैसे यह इसी से यह वीडियो बनाने का खास यही मकसद है कि सीख लेते रहिए, आप जो भी करिए सच्चे मन से करिए, कठिन परिश्रम, अधिक परिश्रम और एक निष्ठावान होकर मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हो सकता है विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा शतक लगा दें, क्यों नहीं लगा सकते, परिश्रम उनका देखिए, मेहनत देखिए, और कोई भी लगाए, बल्कि मैं यही चाहता हूँ कि भारत हमेशा और हमेशा
जीतता रहे, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहे, और हमेशा मैं चाहता हूँ कि हर क्रिकेट मैचों में भारत की ही जीत हो। बाकी सारे चीज़ों को आप देखें समझें, बस यही कहेंगे कि जिस भी क्षेत्र में बढ़िए, मन से लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी सब पे भगवान, देखिए भगवान का शरण तो सबको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो। विराट कोहली भी माने थे, आप लोग भी मानेंगे, ठीक है? तो भगवत कृपा सब पे बरसे। बाकी जय माँ भवानी, हर हर महादेव।